नीमच का हेडगेवार प्राइवेट बस स्टैंड अव्यवस्थित यातायात बेतरतीब ढंग से बसों और ऑटो के खड़े रहने और अस्त व्यस्त पार्किंग की वजह से बदसूरत दिख रहा था। इसकी सूद लेते हुए पार्षद किरण शर्मा ने पिछले चार दिनों से नगरपालिका और यातायात का महकमे का सहयोग लेकर इसे व्यवस्थित करने की कोशिश की है। चूँकि बाहर से आने वाले लोगों के मनो मस्तिष्क पर बस स्टैंड की तस्वीर से शहर की छवि का अंदाजा लगता है, इसे संवारने की खास जरूरत है। नीमच का बस स्टैंड है तो काफी बड़ा, यहाँ से करीब तकरीबन 100 बसों का प्रतिदिन संचालन होता है। हजारों की संख्या में यात्री आवाजाही करते हैं। यहां सफाई व्यवस्था भी बेहतर होना लाजमी है। फिलहाल इसके लिए एक कोशिश जनप्रतिनिधि किरण शर्मा ने की है। बसों को व्यवस्थित ढंग से लाइनअप करने की, टेम्पो और अन्य वाहनों की पार्किंग के लिए स्थान निर्धारित करने की पहल की गई है, साफ सफाई भी कराई है, किंतु ये निरंतर रहे इसके लिए सभी के सहयोग की दरकार होगी। वॉइस ऑफ एमपी की टीम ने नीमच के प्राइवेट बस स्टैंड को लेकर किरण शर्मा से चर्चा की। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। बाहर से आने वाले लोग जो बसों में यात्रा करते हैं उनके दिमाग में जो शहर की छवि बनती वो बस स्टैंड के रखरखाव और बस स्टैंड को देखकर बनती है कि नीमच शहर का बस स्टैंड कैसा, उसी को देखकर वो नीमच शहर का आकलन करते हैं क्या प्रभाव छूटता है। विगत तीन दिनों से नीमच का जो हेडगेवार प्राइवेट बस स्टैंड है जो कि काफ़ी अस्त व्यस्त स्थिति में था, उसे ठीक करने के लिए जनप्रतिनिधि, पार्षद और सांसद प्रतिनिधि किरण शर्मा लगातार कोशिश कर रही है। किस तरह से उनके द्वारा प्रयास किए गए और अभी तक क्या काम किया गया, आइए उनसे बात करते हैं। जी मैडम, किस तरह से आप बस स्टैंड की तस्वीर को संवारना चाहती हैं? हेडगेवार प्राइवेट बस स्टैंड जो आपने देखा है, इसका निरीक्षण भी किया है। यहाँ पर पूर्व में नगर पालिका अध्यक्ष रहे जिन्होंने यहाँ पर सीसी रोड करवाई थी। काफ़ी अच्छा इस बस में, बस स्टॉप पे आपने देखा होगा कि अच्छा डोम लगाया है ताकि यात्री जब बस से उतरे तो उन्हें बैठने के लिए सुविधाएं उपलब्ध हो जाए। इस बस स्टैंड पर जो आवाजाही थी, आगमन था, जो बसें कई अपनी अपनी इच्छा से अपनी मर्जी से खड़ी कर दी जाती थी, कई बार विवाद हो जाते थे। ऑटो रिक्शा जो है वो चालक कहीं अपनी असुविधाओं के कारण रिक्शा कहीं भी खड़ा कर देते थे। और जब मैं लगातार यहाँ से 3 महीने से मैं निकल रही थी तो मैंने खुद इस चीज़ को महसूस किया था कि यहाँ पर आने जाने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और किस प्रकार से यहाँ पर इतनी भीड़ भड़का हुआ है कि व्यक्ति यहाँ से यात्री उतरता है तो उसे पता नहीं चलता है कि यहाँ शौचालय कहाँ है, यात्री प्रतीक्षालय कहाँ है। जब ये सारी असुविधाएं मैंने देखी तो मैंने तुरंत इस पर एक्शन लिया। मुझे लगा है कि बाहर से आने वाली जनता को सुविधाएं सारी उपलब्ध हो, उसके तहत मैंने 3 दिन से इसका निरीक्षण करके सही मायने में बसें कहाँ खड़ी होनी चाहिए, किस प्रकार से बसों का आगमन होना चाहिए, किस प्रकार से यात्री अगर उतरते हैं तो किस प्रकार हेमाल भाई हैं, बस को लेकर किस तरह की व्यवस्थाएं दी आपने, किस तरह से लाइनअप कराया है, क्या किया गया है इसके लिए? लाइनअप के लिए हमने वाइट कलर का, जो आप देखेंगे अभी यहाँ पर, कि हमने वाइट कलर की एक लाइनअप डलवाई है। वो बसें वहीं खड़ी रहती, उससे आगे नहीं आती है, जिसमें सभी जो बस मालिक है, उनके जो कंडक्टर हैं, उनके जो ड्राइवर है, सभी ने सपोर्ट किया और एक बार उन्हें बता दिया गया तो वास्तविकता में मैंने 3 दिन से इस बात का निरीक्षण किया है कि बसें सही जगह पे सही समय पर खड़ी हो रही हैं, उस लाइनअप के आगे नहीं आ रही है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। यहाँ पर ऑटो चालकों की भी बड़ी अस्त व्यस्त स्थिति रहती, वो लोग भी कहीं भी ऑटो लेकर खड़े हो जाते हैं जिससे आवाजाही में लोगों को काफ़ी तकलीफ आती है और आए दिन विवाद की स्थिति रहती। बिल्कुल सही कहा आपने अब्दुल जी, क्योंकि यहाँ पर ये स्थिति बनी हुई थी। लेकिन जब ऑटो रिक्शा वाले भाइयों से एक निवेदन किया तो सहज रूप से उन लोगों ने अपने ऑटो एक लाइनअप जो व्हाइट कलर की लाइन डाली थी, हमने आप देखेंगे जैसे ही हेडगेवार बस स्टैंड के अंदर आप एंट्री करेंगे वहीं पर आप देखेंगे कि बाईं तरफ ऑटो स्टैंड के वहां पर हमने एक व्हाइट कलर से लाइनअप किया था। उसके बाद ऑटो चालक जो भाई थे सभी ने उस लाइन को पार नहीं किया। और जब मैं स्वयं बताती हूँ कि जब मैं गाड़ी लेकर आई और मुझे बताया कि इस तरह से हो रहा है, आप देखो, जब मैं आई वहाँ पर तो मुझे इस बात की खुशी हुई कि ऑटो चालक जो भाई थे वो उतरे, वहाँ से आए, बोले मैडम आप यहाँ गाड़ी नहीं खड़ी करेंगे। मैंने कहा क्यों? बोले ये हमारे ऑटो स्टैंड के लिए है और हम लोग यहाँ पर, आपने देखा होगा कि हम कितने अच्छे लाइन से खड़े हैं, तो आप यहाँ से गाड़ी हटाइए। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि वो इस नियम पर चलना सीख गए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। 2 पहिया वाहन 4 पहिया वाहन की पार्किंग को लेकर भी लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते, अस्त व्यस्त स्थिति रहती, कहीं भी गाड़ी खड़ी कर देते हैं। हमने इस चीज़ को देखा है, विगत 3 दिनों से मैंने इस चीज़ को नोटिस किया और मैंने इसकी भी एक रूपरेखा बनाई है कि किस प्रकार से हम जो वाहन 4 व्हीलर जो आती है उसका एक स्टैंड बना देंगे जहाँ से वो अंदर ना आए।
यदि वो यात्री को लेकर आए हैं कि बस में बैठे तो वो खुद चलकर वहाँ से आए। इसका हमने एक पूरा एक रोडमैप तैयार किया है कि कहाँ कौन सी बस खड़ी होगी, कहाँ फोर व्हीलर आएगी। ऑटो जो चालक भाई हैं वो सारे ऑटो व्यवस्थित लग चुके हैं, ये आप देख रहे हैं। इस पैर की जो बसें हैं वो हमने पीछे यातायात जो विभाग है उसने बस जो इस पैर बसें हैं उनको पीछे खड़े करने के लिए एक जगह दी थी, उसे पुनः सीओ मैडम और इनसे चर्चा करके और वो जगह हम लेंगे ताकि इस पैर की जो बसें ऑटो हैं वो उधर खड़े हो जाए। एक बात और देखने में आती है, आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग, बेसहारा लोग, जिनके पास रहने के लिए कोई आश्रय स्थल नहीं है, वे लोग भी अक्सर डोम के नीचे बस स्टैंड पे अपना जीवन या गुजारा करते हैं। उनके लिए भी कोई समुचित व्यवस्था हो ताकि यात्री जो है उनको भी असुविधा ना हो और इनके लिए भी कोई व्यवस्था हो। देखिए, इसके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के द्वारा दी गई थी, रेन बसेरा, जो कि वार्ड नंबर 14 में आता है। आप सांवरिया जी मंदिर सिटी रोड पर जाएंगे तो अटल रेन बसेरा है, उस रेन बसेरे के अंदर उनकी पलंग की व्यवस्थाएं, गद्दों की व्यवस्थाएं, सोने की व्यवस्थाएं रखी हुई है। यात्रियों के लिए हमने बातचीत की है कि एक बोर्ड बनवा देंगे, उस पर लिखा जाएगा कि यदि रात्रि विश्राम करना है तो आप रेन बसेरे में जाकर वहाँ आप विश्राम कर सकते हैं। और जो दूसरे भाई बहन यहाँ रुके हुए हैं काफ़ी समय से, मुझे उनकी भी शिकायतें आ रही थी, उन्हें भी मैंने 3 दिन से आग्रह किया है कि आप वहाँ जाइए, क्योंकि यहाँ ना लाइटें हैं और ना कोई अव्यवस्थाएँ हैं। उन अव्यवस्थाओं को देखते हुए मैंने उनसे भी अभी भी आग्रह किया है कि आप रेन बसेरा में जाके और आप रात रह सकते हैं, उसके बाद आप जा सकते हैं। यातायात महकमे के बगैर सपोर्ट के केवल 3 दिन आपने मेहनत की, खूब मेहनत की, लेकिन ये लगातार बना रहा है, इसके लिए यातायात महकमे का किस प्रकार सपोर्ट किया? देखिए, यातायात विभाग थाना प्रभारी जी माननीय मोहन जी भारावत जी मेरे साथ रहे, उन्हीं के द्वारा हम लोगों ने 2-3 बसों के भी चालान काटे हैं, किस प्रकार से सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। यातायात के जसबीर जी भाई और राजपाल सिंह जी हमारे साथ हैं और क्रेन भी लेकर आए हैं कि यदि कोई अव्यवस्थाएं दिखती है बताने और कहने के बावजूद तो ये उस व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाएंगे। और एक मुहिम, जो एक बहुत बड़ी मुहिम हमने जो यातायात को लेकर या बसों की व्यवस्थाओं को लेकर जो छेड़ी है वो निरंतर चलती रहेगी और पूरा यातायात विभाग का सपोर्ट भी है। अतिक्रमण सबसे बड़ा रोड़ा है, बस स्टैंड पे व्याप्त अव्यवस्था में अतिक्रमण सबसे बड़ा रोड़ा, आए दिन शिकायतें हैं कि यहाँ पे अवैध तरीके से गुमटियाँ रखी हुई है, अस्त व्यस्त तरीके से रखी हुई है। देखिए, उसके लिए भी सभी गुमटी व्यवसायी भाइयों से मेरी बातचीत हुई है, मैंने उनसे आग्रह भी किया है कि जो भाई यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो गुमटी निरंतर खोलते हैं, वो अपना कार्य कर रहे हैं, 2 वक्त की रोटी कमा के अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, उनके लिए यदि कोई दिक्कत है तो हम एट ए टाइम 12 घंटे हम उपलब्ध हैं। उन्हें कोई परेशानी आती है तो वो हमसे संपर्क करें, लेकिन जो दुकानें बंद पड़ी हैं, पूर्व में नगर पालिका अध्यक्ष जी और सभी लोग सीओ मैडम सब आए थे, वो निरीक्षण करके गए हैं, जो गुमटियाँ बंद पड़ी है उसके ऊपर नगर पालिका सीओ मैडम और अध्यक्ष मैडम क्या कार्रवाई करती है ये थोड़े दिनों में देखना। अंतिम प्रश्न है और 2 लाइन में आपसे जवाब चाहूँगा कि इसे और बेहतर करने के लिए आपकी क्या योजना है? इसे और बेहतर करने के लिए हमारी ये योजना है कि सबसे पहले तो हम सारी गाड़ियों का एक बोर्ड बनवाएंगे, एक बड़ा, जिसके अंदर समय और कौन सी बस कहाँ जाएगी। और उसके बाद में यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो बस स्टैंड के जो कर्मचारी भाई हैं, जिन्होंने इनकी जो यूनियन है, यूनियन का एक ऑफिस बना हुआ है, तो वहाँ पर भी माइक के द्वारा जिस प्रकार से जहाँ आपने देखा होगा कि रेलवे स्टेशन पे माइक में बोला जाता है कितनी बजकर कितने मिनट पर कौन सी बस आने आएगी ताकि यात्री परेशान न हो, उसके लिए एक बोर्ड बनवाकर हम यहाँ डोम के यहाँ लगवाएंगे ताकि यात्री परेशान ना हो, सिर्फ वो समय सारणी देखे और बस वहाँ खड़ी हो और उसमें बैठ जाए, उसको लेकर एक बहुत बड़ा ये मिशन चलाएंगे। दूसरा, सुविधा घर जो हमने देखा है जो बिल्कुल पीछे है, उसके लिए भी सुविधा घर के जो कर्मचारी अधिकारी उनको भी मैंने अवगत करा दिया है कि वो बोर्ड बनवाए और तीनों तरफ बोर्ड लगाएं ताकि महिलाओं को, बेटियों को, पुरुषों को वहाँ शौचालय में दिक्कत ना आए, वो उस एरो को और उस बोर्ड को देखकर वहाँ पहुँच जाए। तो आपने सुना यहाँ की जो पार्षद है किरण शर्मा मैडम का, उनका किस तरह का योजना है, किस तरह की प्लानिंग है, बस स्टैंड को संवारने के लिए उनकी क्या सोच है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो सोच है उसे अमली जामा पहनाया जाएगा, ये जो काम हुआ है 3 दिन ये निरंतर जारी रहेगा, और इसमें जो बस के संचालक है या ऑटो रिक्शा वगैरह है, बाकी लोग हैं, जनता जनार्दन, उनका किस प्रकार से कितना सहयोग मिलेगा, देखने की बात होगी। वॉइस ऑफ MP के लिए मेरे सहयोग
सहयोगी पवन राव शिंदे के साथ अब्दुल अली।